सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज है जो लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जब हम फाइल्स, फोटोज और वीडियोस को सेव करते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी उन्हें लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखता है। जब हम कंप्यूटर को बंद करके रखते हैं तब भी ये मेमोरी डेटा को रिटेन करता है, इसलिए हम जब चाहे तब उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, जब हम थाउजेंड्स ऑफ फोटोज और डॉक्यूमेंट को स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क और SSDs हमें परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है। हम अपने वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, ये हमें बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। विद कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करता है, यानी ये नॉन वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब है कि जब हम डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं तो ये डेटा जब तक हम मैनुअली डिलीट ना करें स्टोर रहेगा, इसलिए हम डेटा को बिना किसी नुकसान के वापस पा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड फ्लैश मेमोरी। हर एक सेकेंडरी मेमोरी किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, वहीं सॉलिड स्टेट ड्राइव हाई स्पीड और रिलायबिलिटी के साथ आता है। ऑप्टिकल ड्राइव्स मल्टीमीडिया डेटा स्टोर करने के लिए उपयोगी होते हैं और फ्लैश मेमोरी पोर्टेबल और ड्यूरेबल होते हैं। एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। इसके कुछ उदाहरण ये हैं। स्मार्टफोन में हम अपने फोटोज, वीडियोस और ऐप्स को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि हमारे फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो खाली रहे। लैपटॉप्स में हम डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन और मल्टीमीडिया फाइल्स जैसे कि वीडियो, ऑडियो को सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं, जिससे कि उन्हें कभी भी एक्सेस करा जा सके और हमारी जो लैपटॉप की इंटरनल मेमोरी है उसमें भी कम लोड पड़े। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जैसे कि मूवीज, म्यूजिक कलेक्शंस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहे और हमें ज़्यादा स्पेस मिलता रहे।